हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो देखिए, मेरे पास एक टैब है, तो इसमें देखिए स्क्रीन लॉक लगा हुआ है। तो आपको मैं बताऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि आप इसका स्क्रीन लॉक कैसे रिमूव कर सकते हैं, वो भी एक क्लिक से। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ और वीडियो को कहीं पर भी स्किप नहीं करिएगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेंगे तो आप कोई भी चाइनीज टैब का आप जो स्क्रीन लॉक रहता है उसको आप रिमूव कर सकते हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के साथ, वीडियो को कहीं पे भी स्किप मत करिए। इसको अनलॉक करने के लिए हमें कंप्यूटर की ज़रूरत होगी, तो पहले फ़ोन को कर लेते हैं पावर ऑफ और आपको ले आता हूँ मैं कंप्यूटर स्क्रीन पे, और मैं आपको बताऊँगा स्टेप बाय स्टेप कि आप इसका स्क्रीन लॉक कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड, हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर। तो इसका जो स्क्रीन लॉक है रिमूव करने के लिए हमें सबसे पहले मालूम करना पड़ेगा कि ये जो टैब है चाइनीज का टैब, इसमें कौन सा CPU इसमें लगा हुआ है, यानी कि कौन सा प्रोसेसर है। चिपसेट मालूम करना पड़ेगा, MediaTek का है या SPD का। तो मैंने इसे ऑलरेडी चेक कर लिया है, इसमें SPD का CPU है। तो आपको क्या करना है, अपने PC में SPD का USB ड्राइवर इंस्टॉल करना पड़ेगा। अगर आप SPD का USB ड्राइवर इंस्टॉल नहीं करेंगे तो आपका जो फ़ोन है वो PC के साथ कनेक्ट नहीं होगा। अगर कनेक्ट नहीं होगा तो आप इस फ़ोन को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए आपको ड्राइवर इंस्टॉल करना एकदम ज़रूरी है। तो अब मैं बताता हूँ आपको कि अनलॉक करने के लिए आपको कौन सा टूल को डाउनलोड करना पड़ेगा। तो देखिए, ये टूल यही है और इसको डाउनलोड करने का मैं तरीका आप लोगों को इस वीडियो में बता देता हूँ। तो स्टेप बाय स्टेप देखिए, आपको कहीं पर भी स्किप नहीं करना है। तो देखिए, आपको गूगल ओपन कर लेना है, उसके बाद मैंने उस टूल का नाम मैंने कॉपी कर लिया है, तो यहाँ पर आके पेस्ट कर लेता हूँ और इंटर कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पर दो रिजल्ट आ चुका है। तो आपको यहाँ पे एंड्रॉयड होस्ट डॉट रू पे क्लिक करना है, इसे ओपन कर लेना है। तो देखिए, ये ओपन हो रही है, आपको यहाँ से डाउनलोड करना है। यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाएगा, देखिए डाउनलोड नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आया हुआ है। तो सबसे पहले आपको इस कैप्चा को कम्प्लीट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर आई एम नॉट रोबोट का एरर आता है। तो क्रॉसवर्क को मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे वेरीफाई कर लेता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे आई एम नॉट रोबोट चेक हो चुका है। अब डाउनलोड पे क्लिक करना है, तो ये जो टूल है वो डाउनलोड होना शुरू हो जाएगा। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आप लोगों को बताने के लिए मैंने इसे किया। उसके बाद इसे कैंसिल कर देता हूँ और मैं सोल्यूशन की तरफ चलता हूँ। तो आपको इस टूल को एक्सट्रैक करने से पहले आपको अपने PC में जो विंडोज सिक्योरिटी रहता है उसको डिसेबल करना पड़ेगा। तो मैं डिसेबल कर लेता हूं। अगर आप विंडोज 7 यूज़ कर रहे हैं तो आप अपने एंटीवायरस को डिसेबल कर लीजिए जब तक ये काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, वायरस एंड थ्रेट प्रोटेक्शन सेटिंग पे जाना है, मैनेज, यहाँ पे रियल टाइम प्रोटेक्शन है, इसको ऑफ कर लेना है। तो देखिए, मेरा ये ऑफ हो रहा है, ये ऑफ हो चुका है। अब इस टूल को मैं एक्सट्रैक कर लेता हूँ। इस टूल को एक्सट्रैक करने के लिए आपको विंडोज इंस्टॉल करना पड़ेगा, तो विंडोज इंस्टॉल कर लीजिएगा। अब इस टूल को इंस्टॉल करना है, तो आपको मैं इंस्टॉल करके दिखा देता हूँ इसे इंस्टॉल कैसे करना है। यस कीजिए, यहाँ पे इंग्लिश सी सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, यहाँ पे इंस्टॉल हो रहा है, इसे इंस्टॉल होने देते हैं। तो यहाँ पे लॉन्चिंग एवेंजर मेन पे इसे अनटिक करके यहाँ पे टिक रहने देना है और फिनिश पे क्लिक करना है और इस फोल्डर को कैंसिल कर देते हैं। तो देखिए फ्रेंड, मेरा टूल ओपन हो चुका है, यहाँ पे साइड पे आया है, तो आप भी इसे कर लीजिएगा। आपको डिवाइस मैनेजर यहाँ पे ओपन कर लेना है, मैं आपको दिखा देता हूँ क्यों डिवाइस मैनेजर को ओपन करना है। यहाँ पर स्टार्ट पर क्लिक कीजिए और यहाँ पर कुछ टाइम प्लीज वेट करेगा, उसके बाद ये टूल ओपन हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर स्पेक्ट्रम डिक पे जाना है और यहाँ पे अब आपको मैं ले जाता हूँ मोबाइल स्क्रीन पे और मैं दिखाता हूँ कि आपको क्या करना है। तो देखिए फ्रेंड, हम आ चुके हैं मोबाइल स्क्रीन पे। अब आपको क्या करना है, वॉल्यूम डाउन को प्रेस करके डाटा केबल को इंसर्ट करना है, मगर इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे इंटर डिक पे पहले कर लेना है। यहाँ पे देखिए, अब आपको वॉल्यूम डाउन बटन प्रेस करके आपको डाटा केबल को इंसर्ट करना है। तो मैं यहाँ पे मैं करता हूँ, आप भी कीजिए।
तो देखिए फ्रेंड, मेरा जो टैब है वो फैक्ट्री रिसेट होने लगा है। यहाँ पे ड्राइवर का इशू आ गया था मेरा फ़ोन पे। इसीलिए आपको क्या करना है, जब यहाँ पे ड्राइवर का प्रॉब्लम आया तो आपको क्या करना है कि टैब को ऑन कर लेना है और उसके बाद आपको फिर से इसे रिस्टार्ट करके फिर से वही प्रोसेस करना है। सबसे पहले आपको इंटर डिग पे क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे डिग ओपे ओके आ जाए, तब उसके बाद आपको फैक्ट्री रिसेट पे क्लिक करना है, तब आपके आपका जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगा। तो देखिए फ्रेंड, जो हमारा टैब का स्क्रीन लॉक था वो सक्सेसफुली अनलॉक हो चुका है। तो यहाँ पे कस्टमर आ गए थे, इसीलिए यहाँ पे थोड़ा वीडियो में लोचा हो गया है। तो मेरा वीडियो कैसा लगा दोस्तों? मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिए और ऐसे इन्फॉर्मेशन ट्यूटोरियल के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आपको कहीं पर भी समझ नहीं आता है तो मुझे व्हाट्सअप करिए और या कमेंट के लिए, मैं उसका रिप्लाई दूंगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय, अपना ख्याल रखिए।